वेलकम टू एडू फेवरी स्कूल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स का सैंपल पेपर। सैंपल पेपर आज का है क्लास फोर्थ के बच्चों को। ये पार्ट वन है जिसे आज हम आपके साथ मिलके सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि हमारी रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन आज और कैसे इसे सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पिकअप द राइट आंसर। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के साथ साथ टू ऑप्शन दिए हुए हैं जिनको आपको राइट आंसर पे टिक लगाना है। चलिए बताइए, आपने चैप्टर में पढ़ा है ना, वन लीटर इक्वल टू कितने मिलीलीटर होते हैं। चैप्टर में पढ़ा है आपने कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो जो 1000 मिलीलीटर है उस पर हमें राइट लगाना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है वन सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं। मैच आप लोग देखते हैं, वन सेंचुरी जब कंप्लीट होता है तो कितने रन्स होते हैं, 100 रन्स होते हैं। वैसे ही वन सेंचुरी में ईयर्स कितने होंगे, 100। तो क्या लगाना है यहाँ पे, 50 ईयर्स? नो, कितने पे लगाना है, 100 ईयर्स। राइट आंसर इज 100 ईयर्स। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं, 1, 2, 3। कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, यानी राइट आंसर इज 3 साइड्स। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इट ओन सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर दो एंगल्स का एड 180 आता है यानी कि वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो क्या होगा, 180 कोई भी एंगल होता है, अगर जैसे अगर ये एंगल है जो कि हमने 60 डिग्री मान लिया, ये 60 डिग्री है, तो नेक्स्ट हमारा कितने एंगल का होगा, नेक्स्ट जो होगा वो 120 का होगा। कितने का, 120। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। इस तरीके से 180 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, कैसे करते हैं हम, क्या लिखना है इसको। पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल टू होता है 1, 2, 3, 4, 4 into side। इसे हम कैसे करते हैं, वन साइड हम करते हैं ना, साइड प्लस साइड। कितने साइड्स हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 4 into side, यानी कि आंसर इज 4 into side। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ फिलअप्स हैं, क्वेश्चन को देखना है आपको, राइट फिलअप्स इसमें फिल करना है। 965 इज डिविजिबल बाय 3, ट्रू और फॉल्स। 965 जो है वो डिविजिबल है 3 से, ये ट्रू है या फॉल्स, कैसे पता करते हैं हम। जब भी कोई नंबर को हमें 3 से डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस नंबर को ऐड कर लेते हैं, यानी 965 डिविजिबल है 3 से या नहीं, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम 9 + 6 + 5 पहले इसे ऐड करके देखते हैं कितना आता है, 9 and 6 15, 15 and 5 20। 20 क्या, 20 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 6 = 18 नहीं आता है, यानी कि डिविजेबल 3 से ये जो है 965 वो डिविजेबल नहीं है, तो फॉल्स होगा ये। ओके, क्या डिविजेबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है द प्राइम नंबर बिटवीन 91 to 100। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से डिवाइड होता है और खुद अपने
नंबर से ही डिवाइड होता है। ऐसे नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर। तो हमें पता करना है 91 से 100 तक प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं, 91 क्या है? प्राइम नंबर है 91। 7 के भी टेबल 1 में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है एंड 13 के टेबल में भी आता है एंड 91 खुद 91 में भी, यानी इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि ये नहीं होगा। 92 ये तो इवन नंबर है, यानी कि 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी हो सकता है, तो इसके भी 2 नंबर से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि 92 भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 93 भी 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, 93 खुद से भी, यानी कि ये भी 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो ये भी डिविजिबल, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 94 क्या है? इवन नंबर। तो इवन नंबर है यानी 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 94 खुद से भी हो सकता है, यानी इसके फैक्टर भी है 2 से ज़्यादा है। 95 ट्राई करते हैं, 95 हो सकता है? नहीं, 95 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी इसके फैक्टर भी है कितने हैं? 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ये भी नहीं हो सकता। 96 ये भी इवन नंबर है, 1, 2, 3 बहुत सारे इसके फैक्टर हैं, यानी कि 96 भी प्राइम नंबर नहीं है। 97 क्या 97 प्राइम नंबर हो सकता है? चलिए देखते हैं, 97 सिर्फ 1 एंड 97 खुद के टेबल में आता है, यानी कि 1 में इसका फैक्टर 1 है एंड 97, यानी कि 97 प्राइम नंबर है। 100 तक हमें देखना है, तो 98 देखते हैं, 98 ऑलरेडी इवन नंबर है, यानी कि ये नहीं हो सकता है, इसके फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, 2, 3 और भी फैक्टर हैं इसके, इसलिए 98 नहीं होगा। 99 भी नहीं हो सकता, 1 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 11 में भी आ रहा है, यानी कि ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 100 ये भी प्राइम नंबर नहीं है, इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हमें 91 से 100 तक कौन सा प्राइम नंबर मिला? 97। सिर्फ 91 से 100 के बीच प्राइम नंबर जो है वो 97 है। तो यहाँ क्या हम आंसर लिखेंगे? 97। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ट्रू और फॉल्स। इवन नंबर कौन सा होता है? जिसका वन प्लेस जो होता है इवन नंबर, जिस भी नंबर का वन प्लेस, जहां वंस, टेंस, हंड्रेड हम ऐसे लिखते हैं, तो वंस प्लेस जो है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो क्या होता है? 2 से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल। डिविजिबल होता है। इवन नंबर कौन सा होता है? इवन नंबर भी वही नंबर्स होते हैं जिसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 होता है, यानी कि 2 से डिवाइड हो सकता है। इवन नंबर जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 10 × 4 × 6। तो हम इसे किस तरीके से शॉर्ट में जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई अगर करना चाहेंगे तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम 6 × 4 = 24 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोई भी नंबर्स को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हमें सिर्फ 10 लगाना पड़ता है, तो 4 × 6 = 24 एंड 0, 240। 75 मल्टीप्लाई
100, जब किसी भी नंबर्स में 1 से जो प्लेस होता है वो 1 और 0 0 जो प्लेस होता है वो 0 0 ही हम लिख देते हैं। तो 75 का 75 एंड 1 2, 2 0 है तो 2 0 रिप्लेस कर देते हैं। सेम नंबर अगर कोई भी डिवाइड करना हो, सेम नंबर हो, जैसे 9180 को 9180 से डिवाइड करना है, तो कोई भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्वेश्चन क्या आता है, 1। तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा, 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द रोमन न्यूमरल 4। रोमन नंबर में आपको लिखना है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट है 44। तो रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, पहले इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। 40 प्लस 4, 40 का क्या होता है, एल से 50 होता है, एंड पीछे अगर हम x लिखते हैं तो क्या होता है, -10। यानी 40 प्लस 4 यानी कि 5 माइनस 1, तो 4। तो क्या लिखेंगे हम रोमन नंबर, XLIV। ये क्या हो गया, 44 का रोमन नंबर। आगे देखते हैं 27, क्या है 27। इसे भी इसी तरीके से इजी करना हो तो एक्सपेंड करके फिर आप रोमन नंबर लिख सकते हैं, 27। क्या होगा इसका एक्सपेंड, 20 प्लस 7। 20 का क्या होगा, 10 10, एंड 7 का क्या होता है, 5 6 7। तो क्या होगा 27 का रोमन नंबर, 10 20 5 6 7 27। आगे क्या है, 56। थर्ड क्वेश्चन इज 56। कैसे करना है इसको, पहले एक्सप्लेन करते हैं। 50 प्लस 6, 50 यानी कि 50 कितने से होता है, L से 50। ये हमने रोमन नंबर जब पढ़ा है तो हमने सारे नंबर्स पढ़े हैं, तो आप भी अच्छे तरीके से पहले रोमन नंबर लर्न कर लीजिएगा। 50 जो होता है L से 50, एंड 6 VI यानी कि 6, 56 यानी LVI, क्या हुआ 56। आगे क्या है, 36। फोर्थ क्वेश्चन है 36, पहले एक्सप्लेन करते हैं 30 प्लस 6। 30 कैसे लिखते हैं, 10 20 30 plus 5 1 6, 36। कैसे लिखेंगे, 36, 36 का रोमन नंबर है। इसी तरीके से आप रोमन नंबर कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आपको नंबर बताने हैं। कैसे बताएंगे हम, पहले क्वेश्चन तो देखिए। क्वेश्चन क्या है, ए में है 2.8। क्या कह रहा है, 2 decimal, ये क्या है, decimal 8। सिंपल है ना, तो इसी तरीके से यहाँ आपको फिलअप्स फिल करना है, 2 decimal 8। नेक्स्ट पढ़ते हैं 0.5। आप इसे डेसिमल बोले या पॉइंट, सेम है। 0 पहले 0.5, आगे 0.102। पॉइंट पहले क्या दे रखा है, पॉइंट, तो जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो उससे पहले हम एक 0 जरूर लगा देते हैं। ओके, तो 0.102, ओके। डी है 12.07, 12.07।
इस तरीके से आप सैंपल पेपर का जो 1-1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करना है, आपको रफली सॉल्व करना है और ऐसे ही कंप्लीट करना है। अगर आपको और भी सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो इडू फेवर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए और पेपर की तैयारी कीजिए।